पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावही। ॐ शान्ति शान्ति शांति ही। हर व्यक्ति अपने जीवन में दर्द को अनुभव करता है, पेन को अनुभव करता है, पर क्या दर्द के साथ पीड़ा का होना यानी कि सफरिंग का होना जरूरी है? आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपनी पीड़ा से उभर सकते हैं, कैसे अपनी पीड़ा के पार जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, दो प्रकार का है। एक तो दर्द जो हमें अपने शरीर के स्तर पर होता है। अगर शरीर में ताप है तो मुझे कहीं ना कहीं दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है। शरीर से अगर हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं दूर होता है तो हम दर्द का अनुभव करते हैं, और ऐसा दर्द होना एक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि हम सब इस दर्द को कहीं ना कहीं अलग अलग मात्रा में अनुभव करते हैं। ये तो हमारा स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, पर इसके अलावा जो हमारी पीड़ा है, जो एक अलग स्तर पर है, वो है हमारी मानसिक पीड़ा, हमारा मानसिक दर्द। यह मानसिक दर्द हमें कब होता है? जब हम तनाव में आते हैं, अपने रिश्तों में जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, अपने करियर में जब बॉस के साथ कहीं ना कहीं उथल पुथल होती है, किसी के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई भी कैसी, आज हुई, आज थप्पड़ खाया, आज से 2 साल के बाद भी उस थप्पड़ को याद करके हमेशा थप्पड़ खाएंगे। ये है हमारी पीड़ा जो हमारे मन में कहीं ना कहीं बस गई है, जिसको हम बार 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 सोचकर उस पीड़ा को, उस घाव को कहीं ना कहीं हरा रखते हैं, भूलते नहीं हैं, क्योंकि यादों के माध्यम से वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। तो कैसे कैसे अपने जीवन की पीड़ा से उबरा जा सकता है? कैसे हम दर्द के होते हुए भी हम अपनी पीड़ा को कहीं ना कहीं विराम दे सकते हैं? कैसे जान सकते हैं कि दर्द तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, पर पीड़ा का होना जरूरी नहीं है? ऐसी ही एक कहानी जो हमारे छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ये कहानी है इंद्र और विरोचन की। इंद्र कौन है? जो हमारे देवों के राजा हैं, जो उनके सेनापति हैं। और हमारे विरोचन कौन है? जो असुरों के सेनापति हैं, असुरों के राजा हैं। एक बार की बात है, प्रजापति अपने विशाल काय सिंहासन पर बैठकर एक संदेश देते हैं और कहते हैं, आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को भूख नहीं लगती, वो पीड़ा से ग्रस्त नहीं होता,
और जो कोई भी आत्मा को जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब जब ऐसे शब्द देव और दानव संदेश के माध्यम से लेते हैं तो उनके सेनापति जो होते हैं इंद्र और विरोचन, दोनों के भीतर आत्मा को जानने की उत्सुकता पैदा होती है। वो चाहते हैं कि आत्मा के बारे में हम और जानें। वास्तव में इंद्र तो सुरों के यानी कि देवों के राजा हैं और दूसरी तरफ हैं विरोचन, जो हैं तो असुरों की जाति में से, पर आत्मा का जो ज्ञान है उनको अपनी तरफ खींचता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि विरोचन पुत्र थे प्रहलाद के, वही प्रहलाद जिसने अपनी माँ के पेट के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीखा और भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की। विरोचन का आत्मा के सत्य को जानने का झुकाव वो उसे विरासत में मिला। तो इसी इच्छा को जागृत रखते हुए और इंद्र के साथ होते हुए वो पहुँचे प्रजापति के द्वार। प्रजापति से मिले और कुछ करने से पहले उन्होंने 32 साल का ब्रह्मचर्य रखा। 32 साल पूरे होने के बाद जब प्रजापति से मिलने की बारी आई तो प्रजापति को पूछते हैं कि हम आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसका स्वाद चखना चाहते हैं। तो प्रजापति कहते हैं, मैं अवश्य ही तुमको आत्मा का ज्ञान दूंगा, आत्मा के बारे में बताऊंगा। ऐसा कहकर प्रजापति क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे इंद्र, जिसको तुम आंखों के अंदर देखते हो वही आत्मा है। अब जब इंद्र और विरोचन ने ऐसे शब्द सुने कि जिसको तुम आंखों के अंदर देखते हो वही आत्मा है, तो उन्हें लगा कि जो आंखों की पुतली के अंदर जो हमें किसी की छाया दिखती है, किसी का चेहरा दिखता है, वही आत्मा है। अब प्रजापति कहना तो कुछ और चाहते थे, पर उन्होंने इन शब्दों का कहीं ना कहीं जो वर्णन था अपने तरीके से यह निकाला और यहीं से सारी चीज़ की शुरुआत होती है। अब जब प्रजापति ने यह कहा तो इंद्र ने फिर नया प्रश्न किया। इस प्रश्न में उसने कहा, तो क्या ये जो प्रतिबिंब है, मुझे जो जल में दिखाई देता है या मुझे एक शीशे में दिखाई देता है, इनमें से कौन कौन आत्मा है? प्रजापति कहते हैं कि ये दोनों ही आत्मा है। तो जब प्रजापति उनको कहते हैं कि ये जो पानी में जो तुम्हें छाया दिख रही है, ये जो शीशे में तुम्हें जो छाया दिख रही है, ये दोनों ही आत्मा है, और उनको इस चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए उनको एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम जाकर अपने आप को पानी में देखो। जब वो अपने आप को जल में देखते हैं तो वो देखते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसी ही छाया उनको जल में दिखाई देती है। देखकर वापस आते हैं, प्रजापति पूछते हैं कि क्या देखा तुमने? तो वो बताते हैं कि मैंने अपने आप को नख से लेकर शिखा तक वैसा ही देखा प्रतिबिंब में जैसा मैं हूँ। अब प्रजापति ने उनको कहा कि जाओ, अब जाकर तुम अच्छे कपड़े पहनो, अपने गहने पहनो, दाढ़ी बनाओ और जाकर फिर से अपने आप को उस प्रतिबिंब में देखो, पानी में देखो। अब वो जाकर पानी में अपने आप को देखते हैं और वो देखते हैं कि जैसी छाया है, अब उन्होंने दाढ़ी बना ली है, सुंदर वस्त्र पहन लिए हैं। अब जब अपने आप को ऐसा देखते हैं तो उनको लगता है कि छाया बदल गई है, अब वो किसी जैसे वो हैं बिल्कुल वैसी ही छाया उनको दिख रही है। इतना कर जब वो प्रजापति के पास वापस आते हैं तो प्रजापति
फिर से कहते हैं कि यही आत्मा है, जिस प्रतिबिंब को, जिस छाया को तुम देखते हो वही आत्मा है। अब जब ये हुआ तो दोनों ने इसका निष्कर्ष जो निकाला वो ये कि छाया अर्थात छाया किसकी है, शरीर की, तो यानी कि शरीर आत्मा है। जबकि प्रजापति ब्रह्मा ये कहने का प्रयास कदापि नहीं कर रहे थे कि शरीर ही आत्मा है। उनका कहने का अर्थ क्या था? वो कह रहे थे कि हे इंद्र, जिसको तुम आँखों में देखते हो वो आत्मा है, अर्थात जो आँखों में चैतन्य स्वरूप है, जो आँखों में कॉन्शियसनेस है, वही आत्मा है। जब व्यक्ति अपनी आँखों को बंद करके ध्यान ग्रस्त होके अपने भीतर देखने का प्रयास करता है तब आत्मा का दर्शन होता है। तो अपने शब्दों से वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब दोनों ने अपना अपना निष्कर्ष निकाला और प्रजापति को कृतज्ञ भाव देते हुए अपने घर की ओर चले। पीछे से प्रजापति अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अभी आत्मा का ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, और अगर इस ज्ञान के साथ ये अपने जीवन को जीने लगेंगे तो कैसे अपने दर्द और पीड़ा से ऊपर उठेंगे, कैसे इच्छाओं का दमन होगा। पर जो हो रहा था प्रजापति उसे वैसा ही चलने दे रहे थे। देखिए, प्रजापति भी हमें अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से कितना कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एक शिष्य अपने श्रद्धा भाव से, निष्ठा से कुछ सीखने के लिए आता है तो उसके जीवन में इंटरफेयर नहीं करना, उसका जो प्रगति का स्तर है उसके साथ चलना, उसके साथ पेशेंस बनाकर रखना। भले ही वो सत्य तक नहीं पहुंचा है, अपने पाठ में पूरा सक्षम नहीं हो गया है, पर तब भी उस मार्ग पर चलते हुए उसके साथ धैर्य बनाना ही एक गुरु की निशानी है, जो प्रजापति ने बाखूबी हमें अपने आचरण से बताई। अब विरोचन अपने असुरलोक में चले गए और असुरलोक में जाकर उन्होंने अपने असुरों को बताया कि प्रजापति ने मुझे जो संदेश दिया है वो ये है कि शरीर ही आत्मा है, यानी कि जो देह को अपनी आत्मा समझता है वो देह आत्मा कहलाता है। अब विरोचन ने कहा कि यानी कि अपने शरीर का ध्यान रखो, शरीर को सजाओ, खाओ पियो, ऐश करो, शरीर की जो सारी डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करो। उसको पूर्ण करना यानी कि आत्मा की सेवा करना। और ऐसा करते करते विरोचन और उसकी प्रजा वैसे जीने लगी। पर आप और मैं सब जानते हैं कि जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं तो हमारी प्रगति किस दिशा में जाती है, हम कहाँ पहुँचते हैं। दूसरी तरफ इंद्र हैं। इंद्र अपने घर की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे तो उनके भीतर एक प्रश्न जागा। उन्होंने कहा कि प्रजापति ने तो अपने सबसे पहले संदेश में कहा था कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, उसको पीड़ा नहीं होती, और दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि ये जो छाया मैंने पानी में देखी यह आत्मा है। क्योंकि अगर मेरा शरीर बदल रहा है, जैसे मैंने पहले दाढ़ी नहीं बनाई थी उस समय छाया कुछ और थी, अब जब दाढ़ी बना ली तो छाया कुछ और हो गई, ये तो बदल रही है। तो अगर ये बदल रही है तो ये आत्मा कैसे हो सकती है? अब जब इस चीज को जाना तो कहा कि कहीं ना कहीं इस चीज को जानकर मेरे अंदर आनंद नहीं आ रहा है, इसमें कोई दोष है, इस संदेश में कोई दोष है। तो फिर वो उल्टे पांव वापस गए, प्रजापति के पास फिर से पहुंचे, और प्रजापति ने जब उनको सामने से आते हुए देखा
तो मन ही मन उनके अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई, हर्ष पैदा हुआ, क्योंकि उनको लगा ये अब जो अधूरा ज्ञान था उसको आगे लेकर जाने की जो यात्रा है अब शुरू हो गई है। अब जब इंद्र उनके पास आकर बैठे तो प्रजापति ने कहा, क्यों आए हो यहाँ पर, तुम्हें तो आत्मा का ज्ञान अब मिल गया है, आत्मा से परिचय हो चुका है। पर इंद्र ने फिर से उनको कहा कि हे भगवान, आपने तो बताया था कि आत्मा अजर है, अमर है, पर ये छाया ये तो शरीर के साथ बदलती जा रही है, तो ये कैसे आत्मा हो सकती है? प्रजापति ने कहा, बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो तुम्हें आत्मा का परिचय देने के लिए अब तुम फिर से 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करो। देखिए, पहले भी 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया, अभी फिर से 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करना होगा। तो इंद्र ने बड़ी ही श्रद्धा से उस ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया। ब्रह्मचर्य खत्म होने के बाद इंद्र वहाँ पहुँचते हैं और प्रजापति उनको आत्मा का फिर से परिचय देते हैं। तो प्रजापति ने कहा कि जो स्वप्न में अनेक भोगों को भोगता है वही आत्मा है, अर्थात जो स्वप्न में अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद आनंद को अनुभव करता है वही आत्मा है। अब ऐसा ज्ञान जब इंद्र को मिला तो इंद्र संतुष्ट हो गया और उसे कहीं ना कहीं पता लगा कि जो स्वप्न ले रहा है वही आत्मा है। इंद्र ने एक बार फिर से प्रजापति को नमन किया और चल पड़ा अपने घर की ओर। रास्ते में जाते हुए इंद्र जो प्रजापति के शब्द थे उन पर चिंतन करने लगा और चिंतन करते हुए सोचने लगा कि देखो, अब स्वप्न में मैं बहुत सारे चीज़ों को अनुभव करता हूँ, शरीर तो मेरा लेटा हुआ है पर स्वप्न में मैं अपने आप को बहुत तरीके का चलता फिरता महसूस करता हूँ, मेरे शरीर में दर्द हो सकता है पर स्वप्न में मैं अपने आप को हँसता खेलता हुआ महसूस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें आनंद का अनुभव आ रहा है, यानी कि ठीक है। पर आगे सोचता हुआ ये भी सोचता है कि ऐसा नहीं कि केवल आनंद के ही स्वप्न आते हैं, कई स्वप्न होते हैं जब हम अपने आप को रोता हुआ बिलखता हुआ देखते हैं, और अगर ऐसा महसूस करते हैं इसके अंदर तो आत्मा का कोई भी आनंद नहीं है, और अगर आनंद नहीं है तो यानी कि इस संदेश में कहीं ना कहीं दोष है, यानी कि ये सत्य नहीं है। अब वो फिर से प्रजापति की ओर चल पड़ता है। प्रजापति उसे फिर से देखकर खुश हो जाते हैं, उसे प्यार से अपने नज़दीक बिठाते हैं और इंद्र को कहते हैं कि तुम क्यों आए हो यहाँ। इंद्र कहते हैं कि हे प्रजापति, आपने तो हमें बताया कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को दुख पीड़ा नहीं होती, पर स्वप्न में भी हम दुख या पीड़ा को अनुभव करते हैं, तो ये आत्मा कैसे हो सकती है? तो प्रजापति ने उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार फिर से उनको कहा, जाओ जाकर 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य धारण करो। तो इंद्र ने पूरी श्रद्धा से अपने गुरु का संदेश सुना और फिर से 32 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन किया। 32 वर्ष के बाद जब इंद्र प्रजापति के पास वापस आते हैं तो प्रजापति उनको कहते हैं, अब मैं तुम्हें आत्मा का परिचय दूंगा। तो 32 वर्ष के ब्रह्मचर्य के बाद जब इंद्र प्रजापति के पास वापस आते हैं तो प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, जो गहरी नींद में पूर्ण विश्राम को प्राप्त करता है, जो गहरी नींद में पूर्ण प्रसन्नता को अनुभव करता है वही आत्मा है।
अब इंद्र जब इन शब्दों को सुनता है, एक बार फिर से संतुष्टि उसके भीतर जाग जाती है। वो फिर से प्रजापति को नमन कर अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। रास्ते में जाते हुए फिर से इस संदेश को सोचने लगता है और सोचता है कि गहरी अवस्था में हाँ प्रसन्नता तो होती है, एक शांति का अनुभव होता तो है, पर इसके प्रति जो जागरूकता है, इस प्रसन्नता के होने का जो भाव है वो नहीं है। ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ सोया हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ हूँ। और ब्रह्मा जी का तो कहना है कि आत्मा अजर है, अमर है, उसको पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, वो बदलती नहीं है। तो ये आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि इसको अपने प्रति जागरूकता का भाव नहीं है। तो यानी कि इस संदेश में भी कोई ना कोई दोष है, क्योंकि इससे आनंद का अनुभव नहीं हो रहा है। तो एक बार वो फिर से रुक करते हैं प्रजापति की ओर, जाते हैं प्रजापति के पास और प्रजापति देखकर उनको खुश हो जाते हैं। कुछ कहने लगते हैं पर प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, तुम अब 5 वर्ष का ब्रह्मचर्य रखो। देखिए 32, 32, 32 और 5, 101 वर्ष का जो ब्रह्मचर्य है इंद्र को रखवाया। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य हम ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें सेलिब्रेट रहना है, बिल्कुल रहना है, पर वास्तव में हमारा ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य वास्तव में हमें सिखाता है कि अपनी इंद्रियों को कैसे काबू रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति इंद्रियों के घोड़ों के साथ कहीं ना कहीं खिंचता चला जाएगा तो उसका जीवन भी क्या होगा, इंद्रियों पर कहीं ना कहीं आश्रित रहेगा। आज मुझे ये खाना है, कल मुझे ये पहनना है, आज मेरे बच्चे के पास ये होना चाहिए, आज मेरी ऐसी नौकरी होनी चाहिए, आज मेरे पास बड़ा घर होना चाहिए, ये मुझे अच्छा है, ये मुझे नहीं अच्छा है, ये कहाँ से आता है? ये सब कुछ हमारी इंद्रियों से आता है, क्योंकि इंद्रियें वो घोड़ा हैं जो हमारे जीवन का रथ खींचती चली जा रही हैं। पर जब हम आत्मा के ज्ञान को पाना चाहते हैं दोस्तों, तब सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करते हैं। और प्रजापति ब्रह्मा जब उसे 101 वर्ष का, उसे ब्रह्मचर्य रखने का संदेश देते हैं, तो यानी कि इंद्रियों का जो शुद्धिकरण है इंद्र खुद ब खुद करता है, क्योंकि वो भी सीख रहा है कि इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, वो भी सीख रहा है कि इंद्रियों के आगे कुछ और है। अब जब ऐसा हुआ तो प्रजापति ने फिर उसे आत्मा का परिचय दिया। तो प्रजापति कहते हैं, हे इंद्र, ये जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये मृत्यु को अनुभव करता है। इसके मृत्यु अनुभव करने के बावजूद भी जो आत्मा है इस शरीर को धारण करता है। और जब वो आत्मा अविवेक के साथ, अविवेक अर्थात जिसको हम इंग्लिश में डिसर्नमेंट कह सकते हैं, यानी कि हमें क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हमें भेद नहीं रहता, सही यानी कि जो इटर्नल है, जो हमेशा रहेगा, अनादि अनंत है, और गलत यानी कि जो थोड़ी देर के लिए रहता है, कुछ समय के लिए ही सही रहता है। अक्सर हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो इसी के इर्द गिर्द होती हैं। हमारी ईगो क्या करती है, इस तरफ जाने का प्रयास करती है जहाँ पे हम थोड़ा आसान रास्ता, हम सही गलत में ज़्यादा जाने का प्रयास करते हैं, हम तेरा मेरा में जाने का प्रयास करते हैं। पर जो विवेक होता है, जो अविवेक के बिल्कुल विपरीत है, वो आत्मा का गहना है, यानी कि अपने सही गलत का क्या मेरे लिए हमेशा स्थिर रहेगा और क्या नहीं रहेगा उसमें वो विभाजन करना जानता है।
जब आत्मा अविवेक के साथ शरीर में रहती है तो क्या होता है, फिर वो सुख और दुख को अनुभव करती है, अपनी इच्छाओं के जाल में अटकती रहती है, उससे ऊपर नहीं उठ पाती। और जब इच्छाओं से जुड़ जाते हैं हम, तब हम आत्मा के स्वरूप के साथ नहीं, हम देहे आत्मा बन जाते हैं, यानी कि देह को ही, अपने शरीर को ही अपनी आत्मा समझते हैं और अपने शरीर का ही लालन पालन करने में जुड़े रहते हैं। हे इंद्र, तुम उस आकाश को देख रहे हो, देख तो तुम्हारी आंखें रही हैं, पर वास्तव में देखने वाला आत्मा है। हे इंद्र, तुम इस फूल को कहीं ना कहीं सूंघ रहे हो, सूंघ तो तुम्हारी नासिका रही है, पर वास्तव में सूंघने वाला आत्मा है। हे इंद्र, तुम इस संगीत को सुन रहे हो, तुम्हारे कान इस संगीत को सुन रहे हैं, पर वास्तव में सुनने वाला आत्मा है। हे इंद्र, तुम बोल तो रहे हो, या तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारा कंठ बोल तो रहा है, पर वास्तव में बोलने वाला आत्मा है। और जो व्यक्ति इस दृष्टिकोण से अपने जीवन में चलता है, वो सदैव आनंद को प्राप्त करता है। जब इंद्र को ये ज्ञान मिला तो इंद्र की आंखों से अश्रु बहने लगे, उसका रोम रोम कृतज्ञता से भरने लगा, क्योंकि आत्मा का दर्शन कहीं ना कहीं उसके भीतर जागने लगा था। उसे पता चल गया था कि अब वो सत्य के पास है, सत्य का अनुभव कर रहा है, सत चित आनंद का परिचय खुल रहा है। इंद्र ने एक बार फिर से कृतज्ञता पूर्वक प्रजापति को नमन किया और अपने देवलोक वापस गया। तो दोस्तों, इंद्र और विरोचन, ये सुर असुर बाहर कुछ नहीं है, ये हमारे भीतर ही ये दो अंश हैं। हमारे भीतर का विरोचन, जो देह को ही आत्मा मानता है, जो देह की ही सुसज्जा में जुड़ा हुआ है, जो खाओ पियो ऐश करो का ही जीवन जीना चाहता है, बस और कुछ नहीं। और हमारे भीतर का इंद्र, जो जिज्ञासु है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता है, जो खुद को जानना चाहता है, जो बार बार अपने भीतर प्रश्न करता है, मैं कौन हूं। हम सब के भीतर कहीं ना कहीं ये दोनों चेतनाएं मौजूद हैं, ये दोनों ऊर्जाएं मौजूद हैं। पर कौन सी ऊर्जा आपके अंदर विकसित होगी, वही जिसके साथ आप बनेंगे, जिसको आप सपोर्ट करेंगे। तो निश्चय तो हमारे खुद के साथ है कि क्या हम अपने भीतर इस सुरी चेतना को ग्रो करना चाहते हैं या असुरी चेतना को। इसी विषय में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तरति शोकम आत्मवित, अर्थात जो खुद को स्वयं में स्थापित कर लेता है, स्वयं अर्थात आत्मा में, अपने सही स्वरूप में स्थापित कर लेता है, उसकी सारी पीड़ा का दमन हो जाता है। अर्थात उसके सभी रोग, उसके सभी जो हमारा मानसिक तनाव है, उसके जीवन का कोई भी कष्ट है, वो अपने आप ही शांत होने लगता है। उसकी जो सारी इच्छाएं हैं, उनका अपने आप ही कहीं ना कहीं क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो कैसे पाएं अपने जीवन की पीड़ा से मुक्ति? अपने जीवन की पीड़ा से मुक्ति पाएंगे अपने सही स्वरूप को जानकर, क्योंकि जब हम अपने सही स्वरूप को जानते हैं, तब हम जानते हैं कि क्या अनंत है,
और क्या अनंत नहीं है। पीड़ा अनंत नहीं है, पर आनंद अनंत है। अब इस कथा को तो सुन लिया, इसके साथ आप अपना थोड़ा सा मनन और चिंतन भी करेंगे, और स्वाभाविक है कि कुछ प्रश्न भी उठेंगे। तो आइए अगले अध्याय में इसी कहानी से जुड़े हुए जो भी आपके प्रश्न हैं उनको सुलझाने का एक प्रयास करते हैं। हरिओम तत्सत। एमसी हिंदी, बदले जीवन।